स्टूडेंट्स नाउ वी हैव ए क्वेश्चन लेट एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर बी द डिफाइंड एज द फंक्शन फंक्शन इज 10x + 7 फाइंड द फंक्शन जी सच दैट आर टेंड्स टू आर सच दैट गॉफ इज इक्वल टू फॉग इज इक्वल टू आई आर इज इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर। सो फंक्शन दिया हुआ है, एफ फंक्शन को डिफाइन किया गया है 10x + 7 में और हमने जी फंक्शन फाइंड आउट करना है। जी मैपिंग है जी सच दैट आर टेंड्स टू आर और हमें दिया हुआ है गॉफ और फॉग आपस में इक्वल हैं, दैट इज़ इक्वल टू आई आर, इनवर्स फंक्शन के इक्वल हैं, बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। जब हमारे पास ये है तो हमें जो चीज़ दी है गॉफ इज इक्वल टू फॉग इज इक्वल टू आई आर, तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज़ गॉफ ऑफ एक्स, अगर आई आर है गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई आर, आई आर इन इनवर्स है तो वन वन इज इक्वल टू एक्स एक्स से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे फॉग ऑफ एक्स हो जाएगी दोनों तरफ। जब ये बन गई हमारे पास एक्सप्रेशन तो ये बन जाएगा गॉफ ऑफ एक्स था इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू फॉग ऑफ एक्स, ये बन जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू दिस। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल दिया हुआ है हमें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x + 7, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 10x + 7, उसको हम यहाँ फिल कर देंगे, दैट इज 10x + 7 इज इक्वल टू एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स हमने निकालना है। सो व्हाट विल यू डू इन द नेक्स्ट स्टेप, सो दिस इज जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से जी ऑफ 10x + 7 वाली जो एक्सप्रेशन है उसको इक्वल टू एक्स दिया हुआ है उसके इक्वल ले लेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगी जी ऑफ 10x + 7 इज इक्वल टू एक्स के इक्वल ले लिया। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, जब हम जी फंक्शन को ऑपरेट करा रहे हैं इस एक्सप्रेशन पे, 10 इज़ आउटसाइड तो जी एक्स पे ऑपरेट हुआ तो ये बन गया जी ऑफ एक्स प्लस 7, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म पे ऑपरेट कराते हैं उसका कोई मीनिंग नहीं है, एज इट इज़ 7 इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 10 ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 7, तो यहाँ से जी ऑफ एक्स हो गया एक्स माइनस 7 ओवर 10, तो हमारे पास जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। तो हमने निकालना है जी ऑफ एक्स, हमारे पास कैलकुलेट हो गया जी ऑफ एक्स इज एक्स माइनस 7 ओवर 10 फॉर ऑल एक्स, किस से बिलोंग करते हैं आर से, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन जी ऑफ एक्स। सो इफ़ वी वॉन्ट टू चेक कि दैट वैल्यू इज़ करेक्ट और नॉट, तो इफ़ वी आर गिविंग दिस इक्वेशन एज ए नंबर 1, अगर हम इसको नंबर 1 देते हैं तो चेक फ्रॉम 1 से चेक किया तो ये बन जाएगा जी ऑफ एक्स के प्लेस पे हम वैल्यूज को फिल करेंगे, एक्स के प्लेस पे जब वैल्यू